सभी को नमस्कार। आज हम हिंदी भाषा के व्याकरण से संबंधित संज्ञा के बारे में देखेंगे। संज्ञा, संज्ञा यानी कि आप लोग इसे इंग्लिश में नाउन कहते हो और कन्नड़ा में हम नाम पद भी बोलते हैं। संज्ञा, संज्ञा की परिभाषा, परिभाषा यानी कि डेफिनेशन, क्या है उसकी डेफिनेशन। संसार के किसी भी प्राणी, वस्तु, स्थान, जाति या भाव, दशा आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। देखिए यहाँ पे संसार के, संसार यानी कि यह विश्व, जगत, दुनिया, इसमें किसी भी प्राणी, प्राणी यानी कि एनिमल, वस्तु, वस्तु यानी कि थिंग्स, स्थान, स्थान यानी कि प्लेस, जाति यानी कि वो कास्ट, या भाव, भाव यानी कि फीलिंग, दशा यानी कि उसकी हालत, इन आदि के नामों को संज्ञा कहते हैं। सभी के नाम, नाम यानी कि नेम्स, सभी के तो पता ही है। प्राणी के नाम यानी कि यहाँ पे बहुत सारे प्राणी हैं, यहाँ पे संसार में बहुत सारे प्राणियाँ हैं, जैसे शेर है, बाघ है, और कुत्ता है, बिल्ली है, बैल है, गाय है, और वस्तु, वस्तु यानी कि बहुत सारे वस्तुएं हैं, क्या है, पेन है, चेयर है, फलक है, और बहुत सारे ऐसी चीज़ें, घड़ी है, मोबाइल है, ऐसे वस्तु, और स्थान यानी कि प्लेस, यानी कि गाँव के नाम होते हैं ना, स्थान, आगरा है, केरूर है, गलगली है, बिदरी है, हाँ, और जाति, बहुत सारी जातियाँ हैं, और भाव, फीलिंग्स, हाँ, बुराई, अच्छाई, सच्चाई, और दशा, हालत, परिस्थिति, इन सभी के नाम जो भी, उनको हम संज्ञा कहते हैं। तो फिर आगे बढ़ते हैं, क्या है, जैसे भारत एक विकासशील देश है, इसमें भारत क्या है, एक देश का नाम है, इसलिए वह एक संज्ञा है। आगे नरेंद्र मोदी भारत के सजग नेता है, नरेंद्र मोदी ये व्यक्ति का नाम, ओके ना। गंगा एक पवित्र नदी है, गंगा नदी का नाम है ना, वो एक नाम है। कुरान इस्लाम का पवित्र ग्रंथ है, कुरान एक है किताब का नाम है। देखिए संज्ञा के तीन भेद होते हैं, संज्ञा के क्या है, मुख्य तौर पर कितने भेद है, संज्ञा के तीन भेद है मुख्य तौर पर, यानी कि मेनली, मेनली कितने भेद है संज्ञा के, तीन है, और कौन से है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, और जातिवाचक संज्ञा। मुख्य तौर पर कितने हैं, तीन है, लेकिन इसमें हम और भी दो जोड़ लेते हैं, और कौन से है, द्रव्यवाचक और समूहवाचक, उनके बारे में हम आगे देखेंगे कौन कौन से है कह के। पहले हम क्या करेंगे, व्यक्तिवाचक के बारे में समझेंगे। देखिए